नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ईश्वरीय शक्ति से दूर नहीं कर सकती। तभी तो सृष्टि के संहारक कहे जाने वाले जटाधारी के दरबार में जो काम पढ़े लिखे एक से बढ़कर एक धुरंधर नहीं कर सके, वो काम कम पढ़े लिखे एक मुस्लिम मिस्त्री ने कर दिया। या फिर यूं कहें कि जिस काम में भारत के तमाम इंजीनियर्स फेल हो गए, उस काम को एक मुस्लिम मिस्त्री ने अंजाम तक पहुंचाया। ये कहानी है एक ऐसे मुस्लिम शख्स की जिनके एक आइडिया से हजारों साल पुराना शिवलिंग स्थापित हो पाया। ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर का पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, और इस मंदिर में स्थापित ये है 1.5 टन का शिवलिंग। जी हाँ, 1500 साल पुराने इस विशालकाय सहस्त्र शिवलिंग को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं था, बल्कि एक ऐसी चुनौती थी जिसके आगे एक से बढ़कर एक इंजीनियर फेल हो गए। लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान न किसी उम्र का मोहताज होता है और ना ही किसी जात पात का। यह अगर बांटने से बढ़ता है तो अनुभव के साथ साथ निखरता भी है। और इस बात का उदाहरण दिया है मकबूल हुसैन अंसारी जी ने, जो पेशे से एक मिस्त्री हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कमाल कर दिखाया है उसके आगे एक से बढ़कर एक धुरंधर भी नतमस्तक हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। असल में सहस्त्रेश्वर महादेव मंदिर में 2.5 टन का शिवलिंग, जिसकी 6.5 फीट लंबाई और गोलाई है, उसे जिलहरी में स्थापित करना था। और इसके लिए देखिए बकायदा क्रेन की मदद ली जानी थी, और इसलिए प्रशासन ने PWD, PHI, जिला पंचायत समेत सभी विभागों के इंजीनियर्स को बुलाया। लेकिन कोई नहीं बता पाया कि आखिर शिवलिंग को जिलहरी पर कैसे उतारा जाए। जिलहरी पर इस विशालकाय शिवलिंग को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी, और जिसके आगे किसी भी इंजीनियर की इंजीनियरिंग काम नहीं आई। और अंत में एक साधारण शख्स का असाधारण आइडिया काम कर गया। अंत में मकबूल हुसैन अंसारी ने एक ऐसा तरीका बताया जो पहले किसी के दिमाग में ही नहीं आया था। जी हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मकबूल हुसैन अंसारी कभी स्कूल नहीं गए, और इसके बाद भी उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इस समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने ये बताया कि यदि बर्फ के ऊपर शिवलिंग को रखा जाए तो बर्फ पिघलने के साथ साथ धीरे धीरे शिवलिंग जलाधारी पर स्थापित हो जाएगी। मिस्त्री मकबूल हुसैन का यह आइडिया तुरंत सबको जम गया, और बर्फ मंगवा कर उसे एक गोलाकार में काटते हुए बर्फ के टुकड़े रखे गए, उस पर शिवलिंग रख दिया गया। और देखिए ना, जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई, शिवलिंग अपनी जगह लेता गया, और इस तरह से मकबूल हुसैन की सूझबूझ से शिव सहस्रेश्वर महादेव जलाधारी में स्थापित हो गए। तो देखिए ना, असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव करने वाले मकबूल हुसैन की अब चारों तरफ तारीफ हो रही है। गरीबी की वजह से जो मकबूल हुसैन कभी स्कूल नहीं जा पाए, वो 7 समंदर पार सऊदी अरब में 8 सालों तक मिस्त्री का काम कर चुके हैं, और अब भारत में यानी कि अपने देश में मंदिर निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर उनके इस काम की जमकर तारीफ हो रही है। इस पूरे मामले पर उनका ये कहना है कि अल्लाह ईश्वर सब एक हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हाथों ये पुनीत काम हुआ है। वहीं अधिकारियों का ये कहना है कि जब कड़ी मशक्कत करने के बाद भी असफलता मिल रही थी, तब मकबूल भाई सामने आए और उन्होंने ये काम आसानी से कर दिया, और ऐसे लगा कि इस काम के लिए उन्हें भगवान ने ही भेजा है। तो अब ये घटना देखिए, किसी के लिए चमत्कार है तो किसी के लिए भाईचारे की मिसाल। अब आइए एक नजर डालते हैं शिवलिंग से जुड़े इतिहास पर। यह शिवलिंग 1500 साल पहले दशपुर के होलकर सम्राट के काल में बनाया गया था। यह शिवलिंग लाइम सैंड स्टोन का है जो शिवना नदी में मिला था। इसके अलावा अष्टमुखी पशुपतिनाथ की मूर्ति भी शिवना नदी में ही पाई गई थी। शिवलिंग की जलाधारी गुजरात में बनाई गई थी, जो 3.5 टन का है, और शिवलिंग करीब 1.5 टन का है। इसमें 1007 शिवलिंग बने हुए हैं, और इन सभी के साथ जो मुख्य शिवलिंग है उसे भी गिनते हुए 1008 होते हुए सहस्त्र शिवलिंग कहलाता है।
संपूर्ण भारत में इस तरह के अब तक के 10 प्रतिमाएं ही मिली हैं और मंदिर का निर्माण पहली बार मंदसौर में हो रहा है। तो देखा आपने जिस प्रकार से जिस काम को इंजीनियर्स भी नहीं कर पाए उसे मकबूल हुसैन अंसारी ने चुटकियों में कर दिया और 1500 साल पुराने सहस्त्र शिवलिंग को उसकी जगह पर स्थापित कर दिया। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।